भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव में एक तरह से उम्मीदवारों की घोषणा करके चुनावी बढ़त देने की तरफ इशारा किया है। और खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि पहले ही चर्चा चल रही थी कि बहुत से नए लोगों को मौका दे सकती है, और बस्तर में जो दो नामों की घोषणा हुई है, कांकेर और बस्तर, ये दोनों ही चेहरे पहली बार जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए उतरेंगे। हमारे साथ बस्तर जो विधानसभा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनीराम मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उम्मीद थी आपको टिकट मिलेगी? मुझे इतना उम्मीद भी नहीं था कि बस्तर विधानसभा से मैं टिकट मिलेगी जी। लेकिन मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अब मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को और हमारे माननीय अध्यक्ष जी को और हमारा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमारा क्षेत्र के विधानसभा के हमारे देश श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को जो आज भारतीय जनता पार्टी मेरे पर भरोसा जताई है, मेरे बस्तर विधानसभा से और मुझे टिकट दी है। कहीं ना कहीं मुझ पर इतना भरोसा तो करती होगी कि बस्तर विधानसभा में जी आप कह सकते हैं जी। आपको क्या लगता है कि लगेश्वर बघेल, लगातार आप वहां से चुनाव हार रहे हैं, वोट परसेंटेज भी बेहतर नहीं है, घटता रहा है लगातार, कैसे जीतेंगे चुनाव? इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरा सोचना है, वैसे वैसा कुछ नहीं है। जिस ढंग से लोगों की एक अफवाह है कि मतलब कांग्रेस के कार्य मतलब जो नेता हैं, विधायक हैं, बहुत ये हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आज के डेट में जाइए, अंदर अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में घूमिए, क्योंकि वहाँ का निचले स्तर का स्थिति आज भी दस जो पूर्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की जो सरकार थी उस समय जो कार्य हुआ है, अब इनकी जो 5 साल के कार्यकाल में आज में ज़मीन में जैसा कोई सी है, कोई काम नहीं हुई है। आज के डेट में कुछ भी काम नहीं हुआ है। आज के डेट में मैं बताना चाहूँगा कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे तो विकास की बात तो करते हैं, और अभी भी ये लोग घोषणाएं कर रहे हैं, अभी भी हर विधानसभा सभा में संकल्प शिविर जो लगा रहे हैं। तो कांग्रेस को इतनी बड़ी घबराना भी नहीं चाहिए, और इनको इतने बड़ी कार्यक्रम भी नहीं करना चाहिए जब काम किए हैं तो जी। क्या लगता है कौन सा अहम मुद्दा होगा, खासतौर पर आपकी विधानसभा में? आप नए चेहरे हैं, जनता से उतना मौका मिलेगा क्योंकि आप जनपद और जो जिला पंचायत है यहाँ तक लगातार आप लड़ते रहे हैं चुनाव सिलसिलेवार, सरपंच से शुरू होकर, तो उसका मेरे पड़ेगा जी। मेरे भाई साहब, मेरा एक पंच से लेके पंच, सरपंच, जनपद और तीसरा बार जिला पंचायत जी, कहीं ना कहीं मैं लोगों के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच रहा हूँ, और कहीं ना कहीं क्षेत्र का काम किया हूँ जी। तब मेरे को 3-3 बार जिला पंचायत ने और मेरे को पंच से लेके यहाँ तक उठा भेजा है जी। आज भी मैं हमारे विधानसभा के उन कार्यकर्ताओं के साथ साथ और उन क्षेत्र के मतदाताओं का भी मैं आशीर्वाद में लूँगा, और उनके साथ मैं बैठ के मैं चर्चा करूँगा और उन क्षेत्र में जाके घूमूंगा। कहीं ना कहीं मुझे पहली बार जो मौका मिला है तो मैं चाहूँगा कि बनाने का प्रयास करूँगा जी। तो लकेश्वर जी के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या? उनके बहुत से मुद्दे हैं, कारगर मुद्दा जो लगता है जो सीधा असर करता है, बहुत से मुद्दे हैं जो आज चाहे उनकी जो घोषणाएं हुई है, हर बार तो भेंट मुलाकात से लेकर सारी चीज़ों में ये लोग बड़े बड़े घोषणाएं हुई है, आज घोषणा कहाँ ज़मीन में कहाँ दिख रही है? मैं सबसे पहले तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं बात करना चाहूँगा उनसे भाई, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी जहाँ के जो पूर्ववर्ती जो सरकार थी उनके किए हुए काम के सिवाय दूसरा ये काम किए भी नहीं, अब उसी चीज़ को भुनाने का काम कर रहे हैं और नाम बदलने का काम कर रहे हैं जी। तो ये थे मनीराम कश्यप, जिनको टिकट मिली है और अब वो दावा कर रहे हैं कि बस्तर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर।